नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एलजी की एलसीडी टीवी जो कि 22 इंच की एलसीडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्टैंड बाई एलईडी इसकी जल रही है, उसके बाद इससे रिलीज नहीं हो रहा है, यानी स्टैंड बाई से ये सेट रिलीज नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे रिमोट से भी ऑन करेंगे तो भी जो है ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या हमको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें इसके मॉडल नंबर जो कि सामने आपको दिख रहे हैं, और इसके बाद इसके बैक कवर को हम ओपन करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम जो है सबसे पहले मदरबोर्ड पे इसके सारे वोल्टेज को हम टेस्ट करेंगे, जो कि पहला काम होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्ट होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज को चेक करेंगे, और उसके बाद हम जैसा प्रॉब्लम होगा उसी के द्वारा यहाँ पे जो है काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें इस रेगुलेटर पे, मल्टीमीटर को देखें, 5 वोल्ट यहाँ पे जो है आउट हो रहा है, यानी ये ओके है। ये इसका आउटपुट पिन है रेगुलेटर का। अभी इसके रेगुलेटर के आउटपुट पिन पे देखिए 4.9, ये भी ओके है। अब इसी तरीके से इसके अदर वोल्टेज को भी टेस्ट करना है, और यहाँ पे आप देखें इसके आउटपुट वोल्टेज पे कोई वोल्ट नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम इसको कहीं कहीं आगे जो है सिग्नल ऑन होता है, तब वहाँ पे जो है स्विचिंग के द्वारा उसे ऑन ऑफ कराया जाता है वोल्टेज। ये सब उसके डिज़ाइन के ऊपर होता है मदरबोर्ड के, लेकिन यहाँ पे कौन सा वोल्टेज कैसे मिलेगा इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी उसी के आधार पे आप फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम इसमें दिखाते हैं जहाँ पे जितने जितने वोल्ट होने चाहिए उसको हम टेस्ट करते हुए, और हम हमें जो फॉल्ट मिला है उसी के आधार पे आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 3.5 वोल्ट जो कि ओके है, और यहाँ पे जो इसके आउटपुट पिन पे कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। और इसके बगल में एक रेगुलेटर आई सी लगी है जहाँ पे 1.2 हमारे कोर वोल्टेज, ये भी ओके है, क्योंकि ये कोर वोल्टेज बनने के कारण जो है हमारा स्टैंड बाई लाइट शो हो रहा है, और 3.3 वोल्ट बनने के कारण। तो यहाँ पे जो 1 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है वो इस जगह पे है, और इसके लिए हमको इसके इनपुट पे देखना है ये कितना वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट पे 3.5 वोल्ट हमारा आ रहा है, यानी रेगुलेटर के, और दूसरा पिन जो है ग्राउंड है, यानी आउटपुट पिन पे इस पर वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब कि इस रेगुलेटर को हम चेंज करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि आगे भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हम यहाँ पे इस वोल्टेज को लाएंगे। यहाँ पे हम दूसरा रेगुलेटर लगाते हैं, और उसके बाद जितने वोल्ट का है वो आपको मल्टीमीटर से दिखाते हैं। ये इसकी रैम सप्लाई है, यानी 2.5 वोल्ट होता है, और ये सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसको हम लगा कर देखेंगे, और आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसे यहाँ पे वोल्टेज लाना है, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और वोल्टेज अगर सही हैं और उसके बाद भी अगर सेट हमारा ऑन नहीं होता तो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग अलग सलूशन है। फिलहाल यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, हम इसे ब्लोअर से लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इस समय लाइट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आयरन से इसे सोल्ड कर दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, और इसके बाद जो है सेट को सप्लाई देकर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ गए।
इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आगे आपको रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्ट हमारे आ गए जो कि आउटपुट पिन पे, जहाँ पे कोई वोल्ट नहीं था, और इनपुट पे जो हमारी सप्लाई है ये 3.5 वोल्ट है। यानी अब इसका आगे का प्रोसेस जो है रिलीज होना चाहिए, तो उसे हम करके देखते हैं आगे। और एक बार यहाँ पे फिर से सारे वोल्टेज को देख लें, वोल्टेज ऑलरेडी वही है, ये देखिए दोनों वोल्टेज 5.5। और इसके बाद एक वीडियो इस पे और हम आपको देंगे, क्योंकि उसके कुछ वोल्टेज उस पे नहीं हैं, फिर भी आपको जो है यहाँ पे उस इस मदरबोर्ड को आप चला सकते हैं, और वो कैसे होगा उस वीडियो में देखिएगा। इसके बाद जस्ट आपको ये 410 मॉडल की जो है इसी पीसीबी का सेम है, तो उसका भी हम जो है वीडियो आपको इसी के जस्ट बाद में कल मिल जाएगा या शाम तक। तो यहाँ पे आप इसे देखें और इसके जितने वोल्टेज हैं यहाँ पे देख लें, उसके बाद उस वाले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि दो जगह वोल्टेज ना होने के बावजूद भी जो हमारा सेट रन करता है और वो कैसे करता है उस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना देखिए कि यहाँ जो सारे वोल्टेज हैं ओके हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम सेट को ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए नो सिग्नल आ गया। अब एक बार इसको ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे और आप देख सकते हैं ये देखिए डिस्प्ले, यानी हमारा सेट ओके हो गया। और इसके बाद जो आपका ये है स्टैंड बाई, तो यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं और फिर से आपके सामने ऑन करते हैं। ये देखिए यानी स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई रिमोट काम नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे देखें तो ये सेट ओके हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, और अगर ये चैनल आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसमें लाइक ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।